खुश आमदीद खबर था नज़रा अगर आपने इस हफ्ते की प्रॉफिट कवर स्टोरी पढ़ी तो आपको पता होगा कि केय इलेक्ट्रिक एक नया मालिक है ये मालिक कौन है ये मालिक वो हैं जिनको हमने खूबसूरती से बाइक में डाला है मगर डिटेल्स के लिए हमारे पास आज हैं प्रॉफिट के सीनियर एडिटर अब्दुल्ला न्यासिक तो अब्दुल्लह कौन है ये शरियात चश्ती जिसको अपन दिन पन पर डाल दानयाल दयाल शरिया की बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है मेरे ख्याल से अमूमन बिजनेस सर्कल्स में वैसे तो ये बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं लेकिन अगर लोग इनको जानते होंगे ज़्यादा इस तरह से जानते हैं कि ये डेवो के मालिक हैं जो अब्दुल्ला बिफोर यू मूव ऑन मुझे यहाँ से सवाल पूछना पड़ेगा ये आप एक बस कंपनी के जिसके टिकट आमतौर तो पर दो तीन हज़ार रुपये होता है आप उस बस कंपनी से के एलेक्ट्रिक के मालिक कैसे मान जाते हैं बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं एक तो ये है कि ट्रांसपोर्ट है बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस लेकिन अगर हम ज़रा सी बैकग्राउंड देखें और शरिया जश्ती की स्टोरी को देखें हमें पता चलता है कि एक बड़े रेगुलर से अपर क्लास कराची के यंग लड़के थे यहाँ पे पले बड़े हैं इनके वालिद साहब नेवी में थे इनफैक्ट एज एन एडमिरल रिटायर हुए थे और ये के गए हैं उसके बाद ये है पोहायो वेस्टलियन यूनिवर्सिटी अमरीका में वहाँ पर अपने अंडर के लिए गए हैं और उसके बाद इनका एक लंबा चौड़ा करियर था एज एन इंटरनेशनल बैंकर ये बेसिकली सिटी ग्रुप के साथ मनसूब रहे हैं हॉन्गकॉन्ग में काफ़ी देर उन्होंने सर्व किया बड़ी सीनियर पोजिशन पे मर्जेस एंड एक्विजीशन में थे काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स इन्होंने करवाईं और कोई पंद्रह साल का इनका एक इंटरनेशनल बैंकिंग करियर हुआ अब उसके अंदर बीच में हुआ कुछ ऐसे कि 2011 में ये पाकिस्तान वापस आए और इन्होंने कुरियन से डेवो ख़रीद लिया वो इसलिए था कि डेवो इनका बैंकॉक में एक क्लाइंट भी था काफ़ी बड़ा और इनसे जो मेरी गुफ्तगु हुई उसमें उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बातें किया करता था कि पाकिस्तान में बहुत अपर्चुनिटीज़ uh, हैं और पाकिस्तान एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है तो जो डेवो के बेसिकली मालिकान थे उन्होंने इनको कहा कि यार वाई डोंट यू पुट योर मनी वेर योर माउथ इज़ और तुम हमारे से ख़रीद लो अब जो चिश्ती साहब हैं उन्होंने बेसिकली कहा ये कि डेवो उनके लिए एक ऑर्फन एसेट की तरह था बेसिकली वो एक ऐसी कंपनी थी जिसके इंटरनेशनल मालकान को खास उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे मगर तो उसमें पोटेंशियल बहुत था तो ये इन्होंने इसे ख़रीदा और ये यहाँ पे पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गए इन्होंने बेसिकली अपना बैंकिंग करियर जो था वो छोड़ दिया तो मेरा अब सवाल ये आता है कुछ किया था दरमियानिया में नहीं बल्कि जो दो में वापस आए हैं तो इन्होंने शुरू डेवो से किया लेकिन इनका एक्चुअल जो इंटरेस्ट था हमेशा से एनर्जी सेक्टर में था तो आप अगर देखें दो में इन्होंने कंपनी फाउंड की एशिया पार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से क्योंकि एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी है उसके थ्रू इन्होंने राइट्स एक्वायर किए थर कोल के ब्लॉक वन में जो कि आप इस बात से अंदाजा लगें कि थर कोल में दूसरा बड़ा प्लेयर एंग्रो है और उसके बाद ये आ गया और इन्होंने इसको एक्वायर इस तरह से किया कि ये एक सी पैक अर्ली हारवेस्ट प्रोजेक्ट यानी कि उस वक्त सस्ते में और बड़ी आसान शर्तों के साथ अवेलेबिलिटी थी लोगों को तो कि वो थर कोल में इन्वेस्ट कर सकें जो कि जैसे हमें पता है एक बहुत बड़ी कोल फील्ड्स है पाकिस्तान की बहुत बड़ी वहाँ से कहा जाता है कि अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें तो सारी बिजली पूरे मुल्क ही एक तरह से चलाई जा सकती है कुछ लोगों का क्लेम इस तरह का है तो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया उसके बाद इन्होंने मल्टीपल जो है इन्होंने गैस फील्ड्स में भी इन्वेस्ट किया और कोई जो है ऑयल फील्ड्स में और मुख्तलि रिफाइनरीज में इस तरह की चीज़ों तो एनर्जी के अंदर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऐसे काम किए कि कोई एसेट ख़रीदा उसको रीबिल्ड किया और फिर उसको फॉर प्रॉफिट बेच दिया और बेसिकली पैसा इन्होंने अपना वहीं से बनाया ठीक है तो मतलब इन साब को बिजली का तो काफ़ी शौक़ है अब आप हमारे क्या कह कहते हैं नाजरन के ये ज़रा बताइए क्योंकि के इलेक्ट्रिक वो ये लोड शेडिंग होती कराची में तो अब क्योंकि ये नए मालिक साहब आ गए तो क्या जब आपकी बिजली जाए कराची में आप टूटर पर शरीर साहब को गाइया दें सी ई ओ साहब तो क्या सूरत है आल इजी द सी ई ओ इजी द डायरेक्टर उन्होंने क्या ख़रीदा और वो क्या कहते हैं कंपनी के अंदर बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है ये ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी है और नहीं अगर बिजली जा रही हो तो अभी के लिए फ़ौर आपको साहब को गालियाँ नहीं देनी चाहिए ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि इन्होंने इवन दो एक मालिक का रोल अपना लिया हुआ है और एक तरह से एक मेजॉरिटी शेयर ले लिया हुआ है इन्होंने मैनेजमेंट कंट्रोल के केई का नहीं लिया वो ये आप इस पर एक्सपैंड कर सकते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है और इस ओनरशिप से क्या डिफरेंस है शोर बेसिकली के ही की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ज़रा से समझने के लिए ज़रूरी है कि कराची इलेक्ट्रिक जो है पाकिस्तान बनने से पहले आ, कराची के जो कुछ बिज़नेसम थे उन्होंने फ़ाउंड किया उसके बाद जो है 1951 तक अब ये एक प्राइवेटली ओन कंपनी थी और फिर 1951 या 52 में सॉरी मुझे एग्जैक्ट डेट भूल रही है ये नेशनलाइज दी गई यानी कि कुंब पाकिस्तान ने इसको ले लिया बीच में बहुत सी चीज़ें हुई इसकी मैनेजमेंट ख़राब भी हुई सिक्सटीज़ में बड़ी कामयाब भी थी नाइन्टीज़ में टू थाउजेंड्स में आगे बीच में वापटा के पास भी चली गई बीच में हुत ने कोशिश की कि यार फौजियों को दे देते हैं शायद वो बेहतर संभाल लें किसी से नहीं सँभली दो हज़ार पाँच में आके इसको प्राइवेटाइज़ किया गया मुशरफ साहब के दौर में और वहाँ पर अलजमोया नाम का एक इंसाचियम बना था कुवैती और सऊदी इन, इन्वेस्टर्स का अब उन्होंने किया ये कि कराची इलेक्ट्रिक को ख़रीदने के लिए उन्होंने पहले केमन आइलैंड्स में एक होल्डिंग कंपनी दी क्रिएट की उस होल्डिंग कंपनी के थ्रू उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो कराची इलेक्ट्रिक के शेयर्स थे उनके अंदर एक मेजॉरिटी स्टेक बाय कर लिया और साथ साथ में मैनेजमेंट कंट्रोल भी ले ली नहीं। नहीं। सही है अब बेसिकली एक कंसोशम है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मेरे ख्याल से इसका नाम ये बनता है उसके नाम से जिसके अंदर मुख्तु इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और उन्होंने आके जो है आपका ये कराची इलेक्ट्रिक को बेसिकली खरीद लिया तो मैनेजमेंट और सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है पाकिस्तानी रेगुलेटर्स के साथ हो रहा है लेकिन होल्डिंग कंपनी केम आइलैंड्स में है ताकि टैक्स बेनिफिट वहाँ पे किया जाए और बहुत सी चीज़ें हुई 2009 में अबराज ने आके इसको खरीद लिया 2016 में उन्होंने उसको शहघाई इलेक्ट्रिक को बेचने की कोशिश की फिर अबराज का ऑफकोर्स जिस तरह व्यूअर्स को शायद पता हो कि वो एक क्रैश आया बैंक करप्ट हो गए लिक्विडेट लिक्विडेटर्स जो थे उन्होंने आके उनके एसेट्स ले लिए तो so, इस शरियाज चिश्ती ने अब दो में जो अबराज की पोजिशन थी इन कराची इलेक्ट्रिक उन्होंने अबराज की पोजिशन खरीद लिया इन द केमेन आइलैंड होल्डिंग कंपनी अब उसकी वजह से इनका केमेन आयस होल्डिंग कंपनी में जिसमें अभी भी अजमोया जो है उनके भी कुछ शेयर्स बचे हैं और उनके शेयर्स डाइल्यूट नहीं हुए वहाँ पे तो उन्होंने मजोरिटी ले लिया लेकिन कराची इलेक्ट्रिक के अंदर इनका बेसिकली कंट्रोलिंग स्टेक नहीं आया नहीं। तो एक तरह से ये मालिक हैं लेकिन मजारिटी क्योंकि इनके पास नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि सी कौन बनेगा और मैनेजमेंट कैसी होगी लेकिन इनके पास आइडियाज़ फिर भी बहुत से हैं कराची इलेक्ट्रिक के लिए और वो बड़े इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से तो अब हमने शहरिया चिश् का सारा सफर तय कर लिया हमने उनके बिजली की शौक शौकी और फैसले भी सुन लिए अब मेरा सवाल ये है वाई के इलेक्ट्रिक क्योंकि पूरी बात है इस खबर से पहले अगर आप हफ्ते एक पहले जाएं आप कभी भी के इलेक्ट्रिक न्यूज में सर्च करें और इंटरनेशनल मीडिया में जाए इट इज़ अ बैड एग्जाम्पल कंपनी ये किसी लिहाज से गुड कंपनी के लिहाज से तो कोई खरीदना नहीं चाहता बिल्कुल तो शहराज साहब ने ये क्यों खरीदी और इनके साथ ही क्या करना चाहते हैं अब दन हुआ बेसिकली ये कराची इलेक्ट्रिक को अगर हम देखें जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि फिर याद चिश्ती का पूरा बिज़नेस कॉन्सेप्ट ये रहा है कि वो आ, एक तरह से औरफन एसड एक कंपनी जो कि मिसमैनेजी है उसको उठा के उसको बेहतर करके फिर उसके साथ यू नो फॉर प्रॉफिट उसको करें लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं फॉर एग्जांपल एक चिश्ती साहब का कहना है कि वो यहाँ पे एज ए लॉन्ग टर्म ओनर आए वो यहाँ पे क्विक फ्लिप करने के लिए नहीं आए कि वो किसी तरह कराची इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ लाएँ और कुछ ना कुछ पोर्ट पर आ जाएँ कुछ इस तरह का करें और उसको प्रॉफिटेबल करके अपने शेयर्स बेच दें वो चाहते हैं कि वो लंबा इसका एक हिस्सा बन कर रहे अब दूसरी जो चीज़ है कराची इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल ज़रूर है आप अगर 2009 से ले 2016 का पीरियड देखें जिसके अंदर अपराज कराची इलेक्ट्रिक को मैनेज कर रहा था उसकी ओनरशिप उसके पास ही उसके अंदर कराची इलेक्ट्रिक में बहुत सी बेहतरियाँ आई थी बल्कि अगर हमारे प्रोड्यूसर तला एक सेकेंड के लिए हमें मैगज़ीन पकड़ा दें तो उसके अंदर से मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर दो से ले कर के बीच में इन्वेस्टमेंट के बाद पावर जनरेशन एफिशेंसी रेट तीस फीसद जो 2008 में था 2016 में 37 परसेंट हो गया हुआ था और ट्रांसमिशन लॉसेस चार फीसद से एक इशार या चार फीसद तक गिर गई हुई थी उसी सेम 2008 से 2016 के पीरियड के दरमियान तो बेसिकली ये इस चीज़ का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक ऐसी कंपनी है जिसके पास मनोपली भी है और जिसके पास कंज्यूमर्स भी आते हैं वो इस चीज़ को डेफिनेटली बेहतर कर सकती है और प्रॉफिटेबल बना सकती है मेरे ख्याल से शहरियाज चिश्ती की भी यही उम्मीद है कि उनके जो प्लान है के इलेक्ट्रिक के लिए अगर वो समहाओ मैनेजमेंट के अंदर इनकलकेट कर सकें उनको इस्तेमाल कर सकें तो शायद के इलेक्ट्रिक का एक बार फिर से टर्न अराउंड हो जाए क्योंकि पोस्ट अबराज थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक डामाडोल हुआ है तो अब शहरिया साहब इसको प्रॉफिटेबल कैसे करना चाहते हैं ऐसा क्या करना चाह रहे हैं जो अबराज ने नहीं किया था जो पहले नहीं हुआ था क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ गोइंग फॉरवर्ड अब सही है देखें इनके प्लान इनका जो विजन है वो बहुत एम्बिशस है ये कहना पड़ेगा uh, मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत सा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकता है और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट ही वॉन्ट्स डू बट उनको पुल ऑफ करना मुश्किल होगा जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ मेरे ख्याल से एक सिग्निफिकेंट इशू जो कराची इलेक्ट्रिक को फेस हो रहा है इज़ द राइज ऑफ सोलर पावर ठीक है आप कराची में जाएँ आप डिफेंस की तरफ डी की तरफ नए फेजेस की तरफ ड्राइव करके जाएं तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पे जितने नए घर बन रहे हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स लग रहे हैं ठीक hmm. है और ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि हाई एंड कंज्यूमर्स हैं जो अपना बिल टाइम पे देते हैं विच मींस कराची इलेक्ट्रिक के पास वो कंज्यूमर्स रह जाते हैं जो कि थोड़े ज़रा लेस वेल ऑफ हैं और इन टर्म उसकी वजह से आपके पास एक सिचुएशन हो जाती है कि वो बिल भी लेट अदा करते हैं या वो वहाँ पर पिछली चोरी भी ज़्यादा कम का मसला भी ज़्यादा हो जाता है एंड एवरी तो उसको आप कैसे कॉम्बैट करो अब शरियार चिश्ती ने जैसे हमारे से बात करते हुए कहा कि वो वो एनर्जी को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो कराची को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, ठीक है कि वो एक तो इस्तेमाल कर लें कराची के, के सोलर फील्ड्स लगा के विंड पावर जनरेशन के थ्रू सस्ती बिजली बनाए ताकि फिर जो वो कंज्यूमर है जिसके लिए सोलर इंस्टॉल करने का कॉस्ट बहुत हाई हो ठीक है वो सिम्पली सस्ती बिजली डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक से खरीद ले और सोलर का झंझट भी एक तरह से अवॉइड कर ले अब लेकिन एक और ट्रंप कार्ड इनके पास है आपको पता नहीं जहन में आया होगा कि नहीं मैंने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था ख्याल आ रहा है कि क्या पास होगा आ <laughs> मैंने मेंशन किया था कि शरिया चिश्ती का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है थर ओल के अंदर <laughs> जो कि कराची से ठीक है दूर है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइन बनाई जा सकती है अब उनका एक्चुअल प्लान जो मुझे लगता है जो कि मुझे फीलिंग भी आई थी और मेरे ख्याल से उनके लिए प्रॉब्ली सबसे के इलेक्ट्रिक के लिए प्रॉफिटबल भी हो सकता है कि इवन दो उनके पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है अगर थर कोल से कोल आके उसके थ्रू बिजली प्रोड्यूस हो तो वो सिग्निफिकेंटली चीपर होगी सही है अब कोल में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं इन्वामेंटल इशूज़ होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट के इशूज़ होते हैं बट इफ़ इट कैन बी पुल्ड ऑफ तो ये वाकई में के इलेक्ट्रिक के लिए एक तरह से एक उसको बोलस्टर कर सकता है और बाकी भी जैसे हमें पता है कि

एज इन आप, और मैं, आप और मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेंगे आराम से लाहौर बैठे हुए लेकिन हमारे कराची के सार्फिन लाइव बता सकते हैं कि साहब कियम लगेगा नाजिम बहुत शुक्रिया इस प्रॉफिट की पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अब्दुल्ला